हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की एक भर्ती आई थी, बहुत पहले आई, 2016 में आई थी। उसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें जो चयन प्रक्रिया थी किसके बेस पे था और कितने लोग उसमें पास हुए हैं, अभी भी कितने सीटें खाली रह गए हैं, इसके बारे में हम पूरी प्रक्रियाओं के बारे में आपको बात बताएंगे। और कह सकते हैं कि जो दोस्त यूपी पुलिस में तैयारी करना कर रहे हैं या तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें सिलेक्शन पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जो दोस्त इसमें से छट चुके हैं वो दोबारा मौका पा के इसमें कह सकते हैं कि अप्लाई करके दोबारा इसमें नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे, सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी कब आई थी और कितने लोगों के लिए पद, कितने पद थे, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है हेडिंग में कि पुलिस विभाग में गोपनीयता के लिए नहीं मिला एक भी ASI, कह सकते हैं आप, समझ सकते हैं। ये सबसे एक तरफ कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति है पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे लिखा भी है कि सर्वनाक स्थिति है, 170 पदों के लिए 2016 में निकली थी भर्ती, चयन के योग्य एक भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा कि कब इसका पेपर और कुल कितने पद आए हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदों की जो संख्या है वो 760 में से 576 पदे अभी भी खाली रह गई हैं। कुल मिला के इतने आप घटा लीजिए 760 में से 576, इसका मतलब समझ सकते हैं कि इतने पदों के लिए वैकेंसी भरी है और बाकी सीटों के या बाकी पदों के लिए दोबारा वैकेंसी आने वाली है। तो आप आज ही से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही 3 से 4 महीने के अंदर ये आपका कह सकते हैं वैकेंसी आने वाली है पुलिस भर्ती के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि यूपी पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया में पुलिस उप निरीक्षक M, ये गोपनीय कह सकते हैं, ये पूरा होता है कह सकते हैं, इसके लिए वैकेंसी आई हुई थी और इसके लिए एक भी कह सकते हैं कि योग्य या जिसके लिए चाहिए था, जितना योग्य चाहिए था, योग्यता चाहिए, उस पर कोई भी खरा नहीं उतरा, सभी इसमें फेल हो गए हैं। अब बात करते हैं कि कब वैकेंसी आई थी। यहाँ पे लिखा भी है कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वर्ष 2016 में निकली भर्ती में कुल 760 पदों पर भर्ती होनी थी। कुल कितने 760, इसमें से कुल 184 पदों पर ही भर्ती हो सकी है, बाकी के कह सकते हैं कि योग्य लोग ही नहीं थे, इसलिए कह सकते हैं कि दोबारा इनके लिए वैकेंसियां निकाली जाएंगी। यहां सबसे शर्मनाक स्थिति SIM में रही है, 170 पदों के लिए एक भी चयन नहीं हो सका। इनमें से 34 पद जो है महिलाओं के लिए था, उसमें से भी सिर्फ एक महिला का चयन हो पाया और बाकी कह सकते हैं कि किसी का भी नहीं हो पाया। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है कि अगर ये वाला आप ब्रैकेट में देख सकते हैं लिखा कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग में हुए फेल। जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होता है ना कि इतने समय में, इतने देर में आपको इतने वर्ड या इंग्लिश और हिंदी में टाइप करने होते हैं, तो उसी तरह से होता है। 760 पदों के लिए कह सकते हैं कि 16,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन समझ सकते हैं कि आवेदन करने वाले की संख्या अधिक होती, लेकिन पेपर कह सकते हैं या जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हुए थे, तो 13 सितंबर 2017 को लिखित परीक्षा में सिर्फ 1946 अभ्यर्थी ही तय मानक के 50% अंक पा सके हैं। अंतिम चयन के लिए 60 हैंड व टाइपिंग परीक्षा पास करनी थी, जिसमें से अधिकतर अभ्यर्थी क्या होंगे, फेल हो गए। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि चेयरमैन ने बताया कि बचे हुए पदों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली होगी और जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट, चाहे सरकारी रिजल्ट हो या यूपी पुलिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नया कह सकते हैं कि वैकेंसी कब से आने वाली है। इसी के तरह से आप इस पर कह सकते हैं कि दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आपको मौका चाहिए या पुलिस में SI पद पर जाना है कह सकते हैं, जो आपके लिपिक पद पर था। इसी प्रकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर सूचित करूँगा। इसी तरह से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।